ये देखिए इस तरीके से मैंने चूड़ी ये पूरी की पूरी लपेट ली। इसी तरीके से मैंने ये येलो कलर में लपेटी है, ये मैंने ग्रीन कलर में और ये मैंने ब्लू कलर में। तो आपके पास जो भी कलर अवेलेबल हो उसमें इस तरीके से आप बना लीजिए। अब पहले हम इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, दो ग्रीन इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो या तो आप इसे धागे से लपेट लीजिए अच्छे से, नहीं तो इसको ग्लू गन से आपस में इसे ज्वाइन कर लीजिए इस तरीके से, दो दो और ये चार। तो ये हमारा ऊपर वाला फ्रेम बन जाएगा। इस तरह से तीन चूड़ियाँ लेनी है हमें, कोई भी आपके पास थ्री चूड़ियाँ हो वो आप ले लीजिए। इस तरीके से हम धागा लेंगे, और इस धागे को हमें चूड़ियों के चारों तरफ लपेटना है। बस हमें इन चूड़ियों को तीनों को इकट्ठे आपस में इस तरीके से धागा लपेटना है। जहां से हमने शुरू किया है वहीं तक हमें इसे लपेट के पूरा लेके आना है। तो इस तरीके से आप इसे लपेटते रहिए सारे का सारा धागा। जैसे मैंने चूड़ी ये पूरी की पूरी लपेट ली, इसी तरीके से मैंने ये येलो कलर में लपेटी है, ये मैंने ग्रीन कलर में और ये मैंने ब्लू कलर में। तो आपके पास जो भी कलर अवेलेबल हो उसमें इस तरीके से आप बना लीजिए। अब पहले हम इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, दो ग्रीन इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो या तो आप इसे धागे से लपेट लीजिए अच्छे से, नहीं तो इसको ग्लू गन से आपस में इसे ज्वाइन कर लीजिए इस तरीके, आपस में जोड़ लिए। तो इस तरीके से हमारा ये फ्रेम रेडी हो गया। अब हमें इस तरीके से लड़ियाँ बनानी है। ये हमने छोटे साइज़ की जो बच्चों वाली चूड़ियाँ होती हैं उससे ये लड़ियाँ बनाई हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको ये हमें कैसे बनानी है। इस ये देखिए मैंने छोटी चूड़ी ली इस तरीके से, इसे डबल नॉट अच्छे से डबल नॉट करने के बाद इस धागे को हमें चूड़ी के चारों तरफ लपेटना है। थोड़ा थोड़ा सा स्पेस छोड़ना चाहते हैं आप, स्पेस छोड़ के जितना स्पेस छोड़ना चाहते हैं। यहीं पे मैं वापस ले आई, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा धागा छोड़ना है आपको और इसे इस धागे के साथ नॉट कर दीजिए। हमारा ये बिल्कुल रेडी हो गया। इसी तरीके से मैंने एक और कलर में बनाया है, ब्लू कलर में, और इसी तरीके से एक ग्रीन कलर में भी हम बनाएंगे। ये देखिए ये तीनों मैंने बना लिए, अब हम इन्हें आपस में जोड़ लेंगे। कोई भी आप कहीं पे भी कोई भी कलर कॉम्बिनेशन में किसी भी तरीके से जोड़ लीजिए। ये मैंने इसमें जोड़ लिया, जितना धागा आप लंबा रखना चाहें उसके बाद इसे नॉट के साथ इसके साथ जोड़ लीजिए। ये हमने जोड़ लिया वन और टू, अब इसमें आगे ग्रीन भी जोड़ लीजिए। और इसको भी नॉट कर लीजिए। ये रेडी हो गई है। तो इस तरीके से देखिए मैंने छोटी लड़ी बनाई है, ये मैंने एक बड़ी लड़ी बनाई। तो इसी तरीके से आपको बनानी है और उसके बाद हम इसे इसके साथ टाई अप कर देंगे जस्ट। अब ये जो हमने बनाया था इसके चारों तरफ इसी तरीके से हमें ये लटकन सी बनानी है और इसके चारों तरफ हमें इसे टाई करते हैं। कहीं भी एक तरफ से टाई करना शुरू करेंगे हम और इसको नॉट करके टाई कर देंगे। ये देखिए हमने सारे इसके चारों तरफ
जो हमने बैंगल्स थी लटकन लगा लिया। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी लटकन रेडी हो गई है। तो अब हमें बस इसके ऊपर के लिए यहाँ पे ऊपर से बांधने के लिए बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए कोई भी आप कलर, कोई भी कलर वूल यूज़ कर लीजिए, जैसे मैं ब्लू यूज़ कर लेती हूँ। तो हमें इसके चारों तरफ 1, 2, 3 और 4 कॉर्नर्स पे बांधने के लिए इसके लगाना है। ये हमें लटकने के लिए बनाना है, तो इतना ले लेती हूँ मैं धागा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो चारों कॉर्नर्स पे आप बांध दीजिए। ये मैंने चारों कॉर्नर्स पे बांध दिया। अब इसे चारों को बराबर आप बराबर करके नॉट लगा लीजिए। ये मैंने चारों कॉर्नर्स को बराबर बांध के नॉट लगा लिया। हैंगिंग बिल्कुल रेडी हो गया है।